और जो है पब्लिक के बीच में हुई सर, रुक के देते हैं, पूरी सब पब्लिक के बीच में हुई। ऐसा सर, कौन क्या जोड़ा है इस बीच को हम लोग? ऐसा अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है सर? अब तक क्या एक्शन लिया गया सर? एक्शन हम लोग जो गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है उसको हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कब तक, अब तक कितनी गिरफ्तारी अभी हमारे पास जो है, हम लोग अभी जो है जो कुछ हमारे नामजद व्यक्ति हैं, कुछ हमारे जो चिन्हांकन किया रहे हैं, दोनों हम लोग ज्यादा दर्जन से ज्यादा जो है 27 लोगों को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के और इसका ये कोई केस नहीं है, मतलब बात यह है कि जो हमारे बीच जो कहते हैं जो हमारे जो है साजिशों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल के कार्य करते हैं इसमें, तो हम लोग उसके मुझे आपके हमें भी इसकी संज्ञा का संज्ञा नहीं है। जो हमारे दृष्टि में जो उपद्रवी है, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है, वो उसका है। पुलिस चौकी के जो कांस्टेबल हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ जो घेराव किया गया उसकी कोई संज्ञा, 500 से 600 की संख्या में जो बजरंग दल के कार्य करता था, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के कांस्टेबल बता रहे हैं, पुलिस चौकी के कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी हम लोगों ने जो अभी नामजद व्यक्ति में 3 को गिरफ्तार किया है। उनमें से किसी का हिंदूवादी संगठन से कोई निकला है? हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, हमारा वेरिफिकेशन यह है कि कौन सा व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व है और कौन सा नहीं इन्वॉल्व है। जो मेरे क्राइम में इन्वॉल्व हो वो जेल जाएगा। सर, सुबोध कुमार सिंह हाजी अखलाक के मामले में भी जो है उस विषय की कोई जानकारी नहीं है।